हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। तो नाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं अंतिम प्रहार की सीरीज में। जल्दी अपन को सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और थ्योरी की इसकी सारे के सारे लॉज भी आपको याद करने हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है। ये आ गया है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। देखो, अधिकतर जितने भी लॉ हैं अपने यहाँ पर, जो ओल्ड लॉ हैं, वो अंग्रेजों के समय में बनाए गए थे और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, इंडस्ट्री के फेवर में बनाए गए थे, वर्कर के अगेंस्ट में बनाए गए थे। लेकिन बार बार इनमें अमेंडमेंट हुए और अब दोनों के पैरेलल आ गए हैं। मीन्स के एम्प्लॉयर का भी बेनिफिट है और एम्प्लॉय का भी बेनिफिट है, यानी वर्कर का भी। तो ट्रेड यूनियन एक्ट किसके लिए बनाया गया होगा? ट्रेड यूनियन के लिए बनाया गया होगा। ट्रेड यूनियन यानी कि अपनी जो लेबर यूनियन है ना। 26 प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर इस एक्ट क्या कहता है, जैसे हर कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, वैसे हर ट्रेड यूनियन को भी इस लॉ के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्या कहता है, द एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन द ए कंपनीज बाय द प्रिस्क्राइब फी, यानी एक पर्टिकुलर फी पेमेंट करना होगा, उसके अंतर्गत ये कराया जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट के और ट्रेड यूनियन के, वो दोनों सेम है। अपन ने जो ट्रेड यूनियन के एक्ट पर वो पढ़े थे ऑब्जेक्टिव, वही यहां पर भी लिखना है आपको, क्योंकि यहां पर भी अपने जो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं वो सिमिलर आ रहे हैं। टू इंप्रूव द इकोनॉमिक लॉट ऑफ वर्कर एंड सिक्योर दम बेटर वेजेस, यानी वेजेस उनको जो मिले वो लॉफुल मिले, अंडर द लॉ मिले। सेकंड क्या कह रहे हैं, वर्कर बेटर कंडीशन मिले, वर्कर्स किस में रहे, बेटर कंडीशन में रहे। टू सिक्योर बोनस मिले, सेफ्टी की बात कर रहे हैं, वर्कर की मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं, उनकी कंडीशन हो गई, सेफ्टी हो गई और बोनस भी उनको सिक्योर मिले, स्टेबल रहे, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट रहे। स्टेबल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि छटनी जल्दी से ना हो, और हो तो किसी कारणवश हो, मीन्स के कल से ही नहीं कहते कि नहीं आना, भले बंदा 5 साल से काम कर रहा हो, तो इसका स्टेबल आपको जॉब मिले, ठीक है। लीगल असिस्टेंट मिले, यदि वर्कर को के साथ कुछ गलत हो रहा है या एम्प्लॉयर के कुछ अगेंस्ट उसको एक्शन लेना है तो लीगल असिस्टेंट कौन दे उसको, ट्रेड यूनियन दे। प्रोटेक्ट करे उसकी जॉब लेगर अगेंस्ट रिट्रेचमेंट। रिट्रेचमेंट क्या होती है, छटनी होती है वापिस से। और वर्कर एज पर रूल प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रोविडेंट फंड, पेंशन और अदर बेनिफिट उसको मिले। यानी कि क्या है बेसिक ऑब्जेक्टिव, लेबर को एक वेलफेयर वेजेस मिले, एक बोनस मिले, कंपनसेशन मिले, एक लीगल असिस्टेंस मिले, इसके अलावा उसको जॉब सिक्योरिटीज हो, उसको बेसिक राइट्स हो, ह्यूमन राइट्स जो उसको प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारी के सारे इसके अंदर प्रोविजन दिए हुए हैं। ये 7 दिए हुए, 7 याद करने हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, छोड़ना नहीं है। अब फंक्शंस क्या है इस ट्रेड यूनियन के, फंक्शंस क्या होता है, ऑलरेडी अपन देख चुके हैं इसका फंक्शन और काफ़ी डिटेल में मैं समझा चुका हूँ। पहला फंक्शन है इसका कलेक्टिव बार्गेनिंग करना। कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी मैनेजमेंट से मोल भाव करना कि इतना परसेंट बोनस आएगा, ये वेजेस रहेगी, ये सब। प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना वर्कर को कि वो उसकी जॉब जो है वो हमेशा चलेगी, हमेशा चलेगी अगर वो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेड यूनियन आ जाएगा और अब आप किसी भी वर्कर को काम करने की जरूरत नहीं, उन्होंने यूनियन बना दिया, नहीं। वो अगर काम करेगा, लॉफुल एक्टिविटी करेगा, वो इथिकल वे में काम करेगा तो उसको उसकी जॉब सिक्योर रहेगी, यदि कंपनी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई छटनी नहीं करेगी। हेल्पिंग द मैनेजमेंट, अगर कोई ग्रेवियंस हो जाता है तो ट्रेड यूनियन उसको सॉल्व करे। दो लड़कर वर्कर आपस में झगड़ा गए, झगड़ा हो गया तो मैनेजमेंट तक बात न जाए, ट्रेड यूनियन ही उनको सॉल्व कर दे। उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बेसिक गाइडलाइंस देना, उनको लीगल असिस्टेंट देना भी ट्रेड यूनियन का काम है। डिस्प्यूट मैटर को रेमिनेंस अनसेटल रेफरिंग इनटू द मैटर, आर्बिट्रेशन को हायर करना और आर्बिट्रेशन बनना भी ट्रेड यूनियन का काम है। बेसिकली जितने भी डिस्प्यूट हैं, लीगल असिस्टेंस के मैटर हैं, जॉब के मैटर हैं, रिक्रूटमेंट के मैटर हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग के मैटर हैं, ये सब के सब किसको करने होते हैं, ट्रेड यूनियन को करने होते हैं। और यही ट्रेड यूनियन एक्ट में लिखा हुआ है। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें अपन शुरुआत के डिटेल वीडियो के अंदर डिटेल में सीख चुके हैं, केवल यहाँ पर ट्रेड यूनियन एक्ट के मेन प्रोविजन में ट्रेड यूनियन के फंक्शंस लिख लेना, ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स लिख लेना, ट्रेड यूनियन का मीनिंग लिख लेना। और ट्रेड यूनियन एक्ट केवल यही बोल रहा है कि हर ट्रेड यूनियन को हमारे अंदर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आपको, कोई दिक्कत इसमें आई नहीं होगी, ठीक है। तो जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं और ये सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।